नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, जेल में कटेगी मनीष सिसोदिया की होली। कोर्ट ने सीबीआई रिमांड 2 दिन बढ़ाई, 10 मार्च को होगी बेल पर सुनवाई। ये आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड राउड एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिनों के लिए बढ़ा दी है। साथ ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई 10 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी। ऐसे में मनीष सिसोदिया की होली अब जेल में ही कटेगी। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के लिए सीबीआई के सवालों की लिस्ट तैयार। आम आदमी पार्टी नेता से पूछे जाएंगे कई सवाल। ये आपको बता दें कि दिल्ली में आबकारी नीति के मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया से केंद्र जांच एजेंसी सीबीआई की टीम लगातार 5 दिनों से पूछताछ कर रही है। शनिवार को कोर्ट ने रिमांड कस्टडी को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया। ऐसे में जांच एजेंसी के सामने मनीष सिसोदिया से उन सवालों के जवाब जानने की चुनौती है जिनके आधार पर गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर कोर्ट ने कहा कि याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। सीबीआई की शीर्ष सोर्स के मुताबिक जांच एजेंसी ने उन आरोपियों और व्यक्तियों की सूची तैयार की है जिनको सामने बैठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जानी है। इनका मनीष सिसोदिया से आमना सामना कराया जाएगा और सवाल किए जाएंगे। ऐसे में रविवार को टकराव होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, मेघालय नागालैंड में 7 मार्च और त्रिपुरा में 8 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। ये आपको बता दें कि मेघालय नागालैंड और त्रिपुरा में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेघालय में 7 मार्च को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा जबकि नागालैंड में 7 मार्च को दोपहर 1:45 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और त्रिपुरा में 8 मार्च को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तीनों ही राज्यों में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए हैं। इन तीनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ में सरकार बनाने जा रही है। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी के प्रमुख कोनराड संगमा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। त्रिपुरा में एक बार फिर से माणिक साहा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और नागालैंड में एनडीपीपी सुप्रीमो नेफ्यू रियो 5वें कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। अगली बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, मैं मोदी का विरोध करने नहीं बैठा बल्कि मैं उन्हें सुधार दूंगा। विपक्षी नेता और मुख्यमंत्री दे मेरा साथ। ये आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष अभी से एकजुट होने की कवायद में लगा है। अब इसे लेकर कांग्रेस पार्टी भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। इसके लिए अब जल्द ही राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल नए मंच का ऐलान करने वाले हैं। माना जा रहा है कि वो विपक्षी नेताओं के संपर्क में हैं। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब समय आ गया है अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जनता को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि देश के विपक्षी मुख्यमंत्री और नेता मेरा साथ दें और हम एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करें ताकि गुलामी खत्म हो सके। उनका कहना है कि 11 मार्च को जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें सभी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सब काम गलत नहीं कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, आवास योजना अच्छी योजना है लेकिन जहां पर अन्याय होगा उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। कपिल सिब्बल ने साफ कर दिया है कि वो राजनीतिक दल नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश के लोगों के लिए है। मुझे लगता है कि मोदी भी इसका विरोध नहीं करेंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो 11 मार्च को अपना एजेंडा सभी के सामने रखेंगे। उन्होंने तंज किया कि वो पीएम मोदी का विरोध करने के लिए नहीं बैठे हैं बल्कि उन्हें सुधार देंगे। इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी समाज के अलग अलग तत्वों को एक साथ लाने में सफल रहे हैं और उन्हें यह एहसास दिलाया है कि देश में एकता कितनी जरूरी है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का विरोध करने नहीं बैठा बल्कि मैं उन्हें सुधार दूंगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष अभी से एकजुट होने की कवायद में लगा है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि इस बार बीजेपी 100 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर अब 11 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें सभी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस के बीच में आम आदमी पार्टी की हो गई एंट्री। अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया चुनावी अभियान। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में इसी साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पहले ही राज्य में सक्रिय है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एंट्री ने उसकी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने शनिवार को कर्नाटक में अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया। शनिवार को अपनी पहली जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जनता से एक बार आम आदमी पार्टी को 5 साल के लिए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का मौका देने की अपील की। आपको बता दें कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो खुद को डबल इंजन सरकार बताते हैं वहां पर भ्रष्टाचार दोगुना हो जाता है, इसीलिए हमें नए इंजन की सरकार की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, हम मुफ्त बिजली देंगे, अच्छे सरकारी स्कूल बनाएंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे।
आपको बता दें कि कर्नाटक की जनता से अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की। अगली बड़ी खबर, एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ कौन, दो बड़ी रैलियों के बाद भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट तय नहीं कर पाया विपक्ष। ये आपको बता दें कि पिछले दो महीनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दक्षिण में हुई भारतीय जनता पार्टी विरोधी दो अलग अलग सभाओं में भाग लिया, लेकिन केंद्र नेता को लेकर अब भी असमंजस कायम है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है और इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी बदल दिया है, जबकि तमिलनाडु में उनके समकक्ष एमके स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया कि वो पहले से ही राष्ट्रीय परिदृश्य में है। आपको बता दें कि उन्होंने 1 मार्च को अपने जन्मदिन की रैली में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के प्रयासों में कांग्रेस पार्टी को अहम ताकत बताया, लेकिन तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर भी पानी फिरने की कोशिश की। के चंद्रशेखर राव एवं स्टालिन क्षेत्र छत्रप साबित हुए हैं जो भाजपा की ताकत का मुकाबला कर सकते हैं और दोनों को ही हाल ही में शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं के साथ में देखा गया है। भारत राष्ट्रीय समिति यानी BRS द्वारा 18 जनवरी को खम्भ में बुलाई गई बैठक में अगले साल केंद्र में सत्ता परिवर्तन के लिए स्पष्ट आह्वान किया गया, तो वहीं एमके स्टालिन के 70वें जन्मदिन पर चेन्नई में आयोजित रैली में विपक्षी एकता पर जोर दिया गया, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री पद को लेकर विपक्ष की तरफ से कोई भी कैंडिडेट तय नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बीच जारी है आम आदमी पार्टी का मिशन इलेक्शन। 14 मार्च को भोपाल में रैली करेंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। ये आपको बता दें कि दिल्ली में इन दिनों शराब पर सियासत गर्म है। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तलवारें खिंची हैं, जहां पर एक तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद है, तो दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन लगभग 1 साल से जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी का मिशन इलेक्शन जारी है। दिल्ली और पंजाब में बनाने के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से गदगद है। आम आदमी पार्टी का फोकस अब मध्य प्रदेश पर है, जहां इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल 14 मार्च को भोपाल में एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव संभावित हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में टक्कर होती रही है। दिल्ली के बाद पंजाब और गुजरात में प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी दोहराना चाहती है, इसीलिए हाल ही में पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी को भंग करने के बाद आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता पर काबिज है और अभी तक चुनाव में उसका मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी से ही होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के शर्मनाक प्रदर्शन पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला जबरदस्त हमला, बोले इस हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ेगी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के राज्यों त्रिपुरा मेघालय और नागालैंड में कांग्रेस को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी गठबंधन सरकार की वापसी हुई है। तीनों राज्यों के चुनाव नतीजे ऐसे समय में आए हैं जब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश चरम पर है, ऐसे में कांग्रेस के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, क्या मैं ठीक ही तरह नागालैंड मेघालय और त्रिपुरा में भी AIMIM चुनाव नहीं लड़ी है? कांग्रेस अब अपनी इस हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ेगी? बता दें कि कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लगातार बी टीम बताती आ रही है, यानी उसे बीजेपी की बी टीम बताया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले साल हुए गुजरात चुनाव में हार का पूरा ठीकरा असदुद्दीन ओवैसी पर फोड़ दिया था, इसी कारण असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला किया है। 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार नए प्रयोग कर रही है। पूर्वोत्तर में कांग्रेस को चुनावी सफलता की उम्मीदों को बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कुछ सप्ताह पहले ही भारत जोड़ो यात्रा पूरी हुई है और इस भारत जोड़ो यात्रा का इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला है। अगली बड़ी खबर, 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले क्यों लड़ना चाहती हैं ममता बनर्जी, मजबूरी है या फिर है मास्टर स्ट्रोक? ये आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट में चुनाव और पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के नतीजे आते ही TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को तगड़ा झटका दे दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट और बीजेपी का अनैतिक गठबंधन बना है, इसीलिए हम आम जनता के साथ गठबंधन करके 2024 में अकेले लड़ेंगे। ममता बनर्जी के ऐलान से बीजेपी के खिलाफ
खिलाफ बन रहे विपक्षी एका को सबसे बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगी, यानी महागठबंधन में वो शामिल नहीं होंगी। एक सवाल के जवाब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं वे निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे। बंगाल में टीएमसी ही बीजेपी से मजबूती से लड़ रही है। ममता बनर्जी ने सीपीएम और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने बंगाल के सागर दिघी उपचुनाव में सांप्रदायिकता का कार्ड खेला है, जिस वजह से वहां पर हम हार गए। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस के एक सहयोगी ट्विटर हैंडल खेला होबे से लिखा गया है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। अधीर रंजन चौधरी के वाम राम और कांग्रेस नीति की भी आलोचना की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता को तगड़ा झटका देते हुए 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर और अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आबकारी नीति के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की रिहाई की मांग को लेकर शनिवार को मध्य दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राउत एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी से पहले विरोध प्रदर्शन शुरू किया। ये विरोध प्रदर्शन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी ऑफिस के बाहर हुआ, जो राउत एवेन्यू कोर्ट से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया को रिहा करो जैसे नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन से पहले कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक के साथ में बैठक की और इसके कुछ घंटे बाद कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया जैसे सच्चे ईमानदार और दिल्ली के स्कूलों का कायाकल्प करने वाले नेता को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार केंद्र जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी गिरफ्तारी से दिल्ली के विकास को रोकना चाहती है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाए। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। अगली बड़ी खबर प्रियंका गांधी ने मेघालय से लेकर कर्नाटक तक बीजेपी पर उठाए सवाल, बोली भ्रष्टाचार पर मौन क्यों है पीएम मोदी। यह आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी विधायक के घर से बेहिसाब नकदी के रूप में कालाधन बरामद होने के बाद पार्टी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। भ्रष्टाचार पर दूसरों को नसीहत देने वाली बीजेपी के अपने ही विधायक के घर से करोड़ों रुपए मिलने के बाद पार्टी असमंजस की स्थिति में है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि खबरों के मुताबिक कर्नाटक में 40% कमीशन लेने वाली भाजपा के विधायक का बेटा रिश्वत लेते पकड़ा गया। विधायक के घर से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। कल तक मेघालय की एनपीपी को सबसे भ्रष्ट बताने वाली भाजपा उसी पार्टी को समर्थन देने पहुंची है। वहीं मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी ने बीजेपी के समर्थन से राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश किया है। प्रियंका गांधी ने इसे लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि बीजेपी नेशनल पीपुल्स पार्टी को भ्रष्टाचारी बताती रही है और अब उसी के साथ में मिलकर सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन रहने पर सवाल उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार के पैसे पर प्रधानमंत्री जी मौन क्यों हैं? दरअसल लोकायुक्त की एंटी करप्शन ब्रांच ने बुधवार को बीजेपी विधायक के बेटे को 40 लाख रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है और गिरफ्तार किया है, लेकिन उसके फौरन बाद ही एक गुप्त टिप ने लोकायुक्त के सामने विधायक के कथित काले धन के आर्थिक साम्राज्य को खोलकर रख दिया। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने इसको लेकर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस मामले पर चुप क्यों हैं? अगली बड़ी खबर ओपी राजभर ने यूपी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले पूंजीपतियों के कर्ज माफ हो रहे तो गरीबों के बिजली बिल भी किए जाए माफ। ये आपको बता दें कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर यूपी की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है, पूंजीपतियों का कर्ज सरकार माफ कर रही है तो गांव में रहने वाले गरीबों का बिजली बिल भी माफ होना चाहिए। राजभर ने शनिवार को सिद्धार्थनगर के खुनिया क्षेत्र के बेलवा बाजार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज देश में सहज एक समान और निशुल्क शिक्षा की जरूरत है, लेकिन ना तो कोई नेता इस पर बोल रहा है और ना ही सरकार इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शराब की वजह से आए दिन बड़ी घटनाएं हो रही हैं, फिर भी भाजपा सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया। सरकार कह रही है कि इससे आमदनी हो रही है। आखिर बिहार गुजरात जैसे राज्य में शराब पर प्रतिबंध है तो वहां सरकार की आमदनी कैसे हो रही है? राजभर पत्रकार आयोग के गठन व कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी सरकार पर हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ओपी ने मांग की है कि जब पूंजीपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं तो गरीबों के बिजली बिल भी माफ होने चाहिए।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने में किसने मदद की? माणिक सरकार ने अन्य दलों पर बोला हमला। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा में पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने चुनावी नतीजों में बीजेपी की जीत के बाद अन्य दलों पर निशाना साधा। माणिक सरकार ने शनिवार को कहा कि एक बात तो साफ है कि 60% मतदाताओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी विरोधी वोट बटे, इसके लिए कई चीजें हुई। लोगों ने इस बात पर चर्चा करनी शुरू कर दी है कि बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने में किसने मदद की। ये बहुत स्पष्ट है, मुझे किसी पार्टी का नाम लेना पसंद नहीं है। आपको बता दें कि CPIM नेता माणिक सरकार ने आगे कहा कि ये चुनाव परिणाम अप्रत्याशित है क्योंकि सरकार का प्रदर्शन शून्य था, लोकतंत्र पर हमला हुआ और मतदाताओं के मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का अधिकार छीन लिया गया, मतदान को तमाशे में बदल दिया गया, संविधान ने काम नहीं किया। त्रिपुरा में बीजेपी IFT गठबंधन ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 33 सीट जीत कर लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। आपको बता दें कि इस पर माणिक सरकार ने जबरदस्त हमला बोला है, उन्होंने विपक्षी दलों पर भी हमला बोला, उन्होंने कहा कि बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने में किसने मदद की है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एक बार फिर शुरू हो गया धारा 144 लगाने का सिलसिला। झुंझुनू और बांसवाड़ा के बाद बाड़मेर में भी लगाई गई 144। ये आपको बता दें कि राजस्थान में होली के त्योहार से पहले फिर से विभिन्न जिलों में धारा 144 लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। झुंझुनू और बांसवाड़ा के बाद अब भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर स्थित बाड़मेर जिले में भी होली और धुंधली के त्योहार के मद्देनजर धारा 144 लगा दी गई है। जिला कलेक्टर की ओर से धारा 144 लागू करने के निकाले गए आदेश को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने त्योहारों पर इस तरीके के आदेश निकालने को धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करने का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या ममता बनर्जी के ऐलान के बाद भी विपक्ष एकजुट हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।